भाई लोग आज भी स्पेशल अफ्तारी आज तंदूर पे करेंगे। तो कह रहे अम्मी की आंख बच गई है, दिखा ना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैर वाफिया से होंगे। आज की डेली रूटीन का बात करते हैं। डेली रूटीन आज की बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक लाजमी देखना, तब जाकर पता चलेगा कि आपको आज की डेली रूटीन क्या थी। डेली रूटीन आज की बहुत स्पेशल डेली रूटीन होने वाली है, मज़ेदार डेली रूटीन होने वाली है। भाई लोग वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि आज वीडियो के अंदर क्या था। तो अभी करते हैं जी आज की डेली रूटीन का आगाज़। अभी ना भाई लोग मुझे जाना है अपने करीबी शहर में, तो करीबी शहर में मुझे कुछ सामान भी खरीदना है, मुझे अपने काम है। तो मैं अम्मी जी से पूछता हूँ पहले कि मैं चला जाऊँ या ना चला जाऊँ। तो फिलहाल तो मैंने जानवरों को देखे बांध दिया, जानवर जो है ना मेरे घास खा रहे हैं। तो अम्मी जी बैठी हैं सामने, मैं पूछता हूँ अम्मी जी से। ये रही जी अम्मी जी, मैं शहर में नपी हूँ, कैसे लाऊँगी कैसा फ्रूट फ्रूट भी लेने। हाँ अच्छा, अमित जी कहते हैं कि आज स्पेशल रोज़ा होने वाला है। तो भाई लोग स्पेशल फ्रूट क्या चीज़ लेने, खरबूज लेने। अच्छा खरबूज भी लेना है। अच्छा तो बोतल कौन सी लेनी है, जामशेरी की लेनी है या रूह अफ़ज़ा? जामशेरी। अमित जी कहते हैं कि जामशेरी भी लेनी है, तो कुछ फ्रूट लेने हैं। तो अभी चलते हैं शहर फिलहाल, फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर के बाद। अभी ना भाई लोग देखिए मेरी बाइक जो है ना रेडी है, अभी चलते हैं अपने करीबी शहर में, वहाँ से जाके जो कुछ खरीदना है वो जाके खरीदते हैं। अभी मैं बाइक के ऊपर बैठ चुका हूँ, तो अभी निकल रहे हैं फिलहाल। भाई लोग घर से बाहर निकल गए हैं, बस शहर में पहुँचने ही वाले हैं। बाइक के ऊपर बैठे बाइक चला रहा हूँ, सामने गंदम देखें, गंदम पकी हुई है हर तरफ। अभी बस निकलने ही वाला हूँ मैं, बस ये देखें घर से बाहर निकल चुका हूँ। अभी ना भाई लोग मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ अपनी खरीदी शॉप पे। तो यहाँ से पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जामशेरी है? जामशेरी नहीं, रूह अफ़ज़ा है। जामशेरी है, जामशेरी पड़ी है। तो भाई लोग यहाँ से खरीदते हैं जामशेरी, कितने की है भाई? प्रिंट वाला दे रुपये। ये देखें सब प्राइवेट यहाँ पे मौजूद है, सब चार एक दे। तो बाकी यहाँ पे बहुत कुछ खरीदने को मिलता है, हम जो कुछ कोई चीज़ भी हमें खरीदने तो यहाँ से हमें अवेलेबल मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सब अभी खरीदते हैं, तीन सब चार पे इनको पे करते हैं। देखिए अभी चलते हैं घर, घर जाके आपको आगे की करते हैं। यहाँ पे देखें रोड जाना वो चल रहा है सब। हेलो, घर आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पे सालन बन रहा है, देखते सालन आज किस चीज़ का है। ये जो है ना आज सालन बन रहा है, क्या चीज़ है आप गैस करें। ये सालन है जी तुरी का, कद्दू कहाँ से है भाई, मेरा दिमाग ख़राब है। हाँ कद्दू का सालन बन रहा है यार, मुझे तुरी याद आ रही है, कद्दू का सालन है भाई लोग। तो यहाँ पे तनूर भी जलाया जा रहा है, टाइम जो है ना रोज़े का बाकी थोड़ा सा रहता है। तो देखें तनूर जो है ना जलाया जा रहा है, अम्मी जी जो है ना वो सामने उधर बैठी हैं, देखता हूँ अम्मी जी क्या कर रही हैं उधर। हाँ हाँ अरे छुड़े सो तो यहाँ पे बैठी हैं जी अम्मी जी। अम्मी जी को क्या हुआ ये, कैसे इतने सारा जख्म? अम्मी जी जो है ना आँख बच गई आपके यहाँ। अम्मी जी ने वो लकड़ी खींच के आ रही थी ना, वो लकड़ी ना यहाँ पे लग गई है। शुक्र है अम्मी की आँख बच गई है, दिखा ना ये पे लगी है ना, इधर भी लगी। हाँ ये दो जगहों पे अम्मी को सट लगे यार, बस अल्लाह रहम करे। चलो फिर भी आँख बच गई है, शुक्र है। तो अभी अम्मी जी रोटियाँ पकाएंगे, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। भाई लोग रोज़े का टाइम हो चुका है, तो अभी जो है ना मैं अपना पानी शानी बना लूं। सामने देखे ये जामशेरी पड़ी है, ये दूध और ये तुखन मलंगा ये वाला। तो अभी आज मेरा दिल किया है कोई स्पेशल कुछ बनाऊं,
तो इसलिए मैं ज़रा स्पेशल बना लूँ, थोड़ी सी देर के बाद मिलते हैं। अभी जो है ना दूध में डालते हैं थोड़ा सा शामा शीरी। बंद कर था तो इसमें डालते हैं तुख में मलंगा मिलंगा बिलंगुआ बिलंगुआ। चलो अभी जो है ना भाई जो लोग इसे मिक्स करते हैं, चीनी डाल दिया है अभी ना भाई लोग इसमें वो डाल दिया है चीनी भी दूध भी, और दूध फिर डाल रहे हैं थोड़ा सा रख। अभी इसको मिक्स कर देते हैं। भाई लोग आज भी स्पेशल अफ्तारी आज तंदूर पे करेंगे। उम्मीद जी जो है ना रोटियाँ बना रही है। सामने जो है ना मैंने ये तरबूज भी लेके आया था। तरबूज है तरबूज है तरबूज भी लेके आया था। तरबूज तो मिला नहीं है, तो ये मीठा पानी है दूध वाला जो मैंने पहले बनाया है। तो अभी सबसे पहले एक दुआ कर लेते हैं। हमारे सिस्टर का बेटा जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अल्लाह पाक उसको सेहत कामले आजला अता फरमाए, उसकी जो बीमारी है उसकी दूर हो जाए। तो अम्मी जी भी उसके लिए दुआ करेंगे। तो अम्मी जी आप भी उसके लिए दुआ करते हैं। बाजी का बेटा जो है वो बहुत काफ़ी बीमार है, तो हॉस्पिटल में अम्मी जी कह रहे हैं कि अल्लाह पाक उसको सुख दे, अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो अभी अम्मी जी दुआ करती हैं। अम्मी जी हॉट अल्लाह पाक जो है ना अम्मी जी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत कामल और अजला अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। भाई लोग अजाने आ रही हैं, अफ्तार करते हैं रोज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना तो आ जाए वेलकम। भाई लोग आज की अफ्तारी का यहीं पे एंड करेंगे, आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को दिल के सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए घंटी को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे कल एक नए ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय।